केंद्र सरकार के किसानों के खिलाफ तीन काले कानूनों के खिलाफ रहा जनशक्ति पक्ष संयुक्त किसान आंदोलन और किसान संघर्ष दल द्वारा रैली आंदोलन का आयोजन किया गया था। सोयाबीन का भाव 11,000 रुपए से बढ़कर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसके लिए पूरी मोदी सरकार जिम्मेदार है। बढ़ती महंगाई, किसानों को मुआवजा आदि मुद्दों पर केंद्र सरकार को बयान दिया गया। नतीजा यह रहा कि सोयाबीन की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सरकार की किसान विरोधी नीति के विरोध में आज एक आंदोलन का आयोजन किया गया।